बिलासपुर जिले की बाटनू ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से बस सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 21 फरवरी 2019 को ग्राम पंचायत बाटनू के लिए बस सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी बस सुविधा शुरू नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। इस गांव के ग्रामीणों ने यहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा की अगुवाई में उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि ग्रामीणों ने गत फरवरी माह में उपायुक्त को सड़क के शेष बचे कार्य व बस सुविधा को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की बात कही, जिसमें आरटीओ क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी अधिशांशी अभियंता इसके सदस्य हैं। अगर इस पंचायत के लिए बस सुविधा शुरू हो जाए तो इससे इस क्षेत्र की 1000 की आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस सुविधा नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों विशेषकर लड़कियों को जंगली रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। इस रास्ते में लड़कियों के साथ अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से बस सुविधा शुरू करने की मांग की है। बाड़नू गाँव जो कोट कहलूर चुनाव क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ के लिए सड़क का निर्माण किया गया, वो अभी अधूरा है। उसके लिए ग्रामवासियों ने पिछले सितंबर महीने में एक डेपुटेशन मिला था बिलासपुर डिप्टी कमिश्नर से कि भाई जल्दी से जल्दी उन गांवों के लिए बस लगाई जाए। आपका तुन्नी घाट से लेके आपका बाड़नू और आपका नेरी, आपका ये दूसरा जो और गांव है, उन सबको इस बस से सुविधा मिलेगी। तो डीसी बिलासपुर ने कहा था कि भाई हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जो एसडीएम उसके चेयरमैन होंगे, पीडब्ल्यूडी के एक्शन उसके मेंबर होंगे, और रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अफसर है, आरटीओ जो है, रीजनल जो मैनेजर है एचआरटीसी, वो भी उसका मेंबर होगा, आरटीओ उसका मेंबर होगा। आज तक उस गांव के लिए, उन गांवों के लिए कोई बस नहीं चलाई गई है, इसलिए आज तमाम ग्रामीणवासी जो हैं वो डीसी बिलासपुर से मिलने आए हैं, और इनका ये भी कहना है कि अगर ये बस जो है 15 दिन या महीने के अंदर नहीं लगाई जाती है तो हम इसके बाद विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पिकटिंग करेंगे।